सा ठप्पे लगाने थे, इस वजह से उसने ये सारा किया। लेकिन मैं वो ज़्यादा नुकसान भी कर सकता था, लेकिन उस दहशतगर्द की अब मैं उसको इतना ही मैसेज देता हूँ कि अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आ मुकाबला कर, गरीबों को मार कर वोट की पर्ची से मुकाबला होना चाहिए, गरीब लोगों को का खून बहाकर मुकाबला नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं खन्ना पुल के पास और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। कल कश्मीर इलेक्शन के दौरान कोटली में दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कत्ल किया गया, उस हवाले से मैं इनसे बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ, इनके मुद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे जिनकी तरफ से फायरिंग की गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं ये क्या वाकया पेश आया, कैसे वाकया पेश? बस वो इलेक्शन मुझसे छीनना चाहते थे और छीनने के लिए उनका प्लान था इंतजाम के साथ मिल करके इधर कत्ल वगारत करें ताकि हमारी तवज्जो उधर हो और बाकी हल्के में धांधली करें और ठप्पे लगाएं। उन्होंने वही किया और हमारे दो नौजवानों को उन्होंने शहीद किया। मैं पूरा दिन उनके साथ रहा और अब आज हम इधर आए थे, अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, उनसे बात हुई, उन्होंने इजहार हमदर्दी की, इजहार अफसोस किया लवाकिन के साथ। तो अब हम वापस जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो शुदा है उनकी तदफीन करेंगे और इंशाल्लाह कल से हम दोबारा मैदान में निकलेंगे। अच्छा सर, ये बताएं क्या नौबत पेश आई कि आप डेड बॉडीज को लेके यहाँ इस्लामाबाद आए? क्या कश्मीर की जो पुलिस है आपके साथ तावन नहीं थी कर रही? हाँ, वो पुलिस वाले सब मिले हुए थे, इलेक्शन उन्होंने मैनेज किया हुआ था और जिसकी वजह से मिसहैप हुआ और दो लोगों की जान गई, तो हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि हमने गिरफ्तार कर लिया है, मैंने रस्ते खिलवा दिए थे, बाद में उन्होंने शाम को कहा जी कि वो तो आ गया है, तो फिर उन पर एतबार वाली कोई बात रही नहीं थी। इस वजह से मैं चाहता था कि हमें इतला थी कि वो भाग के इधर इस्लामाबाद आया है, कि हम इमरान खान साहब से बात करें, उनसे रबता हो गया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आईजी को स्ट्रिक्टली कहा है कि फौरन इस मामले में की तहकीक करें, उसको गिरफ्तार करें। तो अभी हम अली अमीन गंडापुर साहब के पास से होकर आ रहे हैं, वो भी माशाल्लाह बड़े कम्पिटेंट और पार्टी के बड़े जैले और पार्टी के बड़े अच्छे लीडर हैं, उन्होंने भी यकीनदानी कराई है और मुझे यकीन है अली भाई पर, वो जब बात करते हैं तो पूरी करते हैं। खान साहब ने भी कह दिया है, तो इंशाल्लाह ताला लवाकिन भी जो है वो इस चीज़ पर मुतमईन है और मैं भी मुतमईन हूँ और इंशाल्लाह ताला वापस जा रहे हैं। इलेक्शन था या जंग थी कि दो नौजवानों को कत्ल कर दिया जाता है, वो यहाँ फायरिंग की जाती है? वो एक दहशतगर्द है और उसने, उसके साथ अवाम नहीं थी, उसने इलेक्शन को मैनेज करना था, उसने मैनेज किया हुआ था, ठप्पे लगाने थे, इस वजह से उसने ये सारा किया। लेकिन मैं वो ज़्यादा नुकसान भी कर सकता था, लेकिन उस दहशतगर्द की अब मैं उसको इतना ही मैसेज देता हूँ कि अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आ मुकाबला कर, गरीबों को मार कर वोट की पर्ची से मुकाबला होना चाहिए, गरीब लोगों को का खून बहाकर मुकाबला नहीं होता, ठप्पे लगाकर मुकाबला नहीं होता। वो अवाम का मैंडेट खो चुका है और बुखला के उसने ऐसा किया है। ये दो नौजवान कौन थे जिनका कत्ल किया? ये मेरे अजीज़ थे और ये बैरिस्टर अफजल साहब हैं, मेरे साथी हैं, ये लंदन से स्पेशल कैंपेन के लिए आए थे, इनके करीबी रिश्तेदार भी थे और वो एक ज़हीर थे, एक रमज़ान थे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, आपके अजीज़ से, आपके आप उनके लवाकिन में से हैं, नौजवानों को कत्ल किया गया, क्यों, वजह क्या थी? क्योंकि चौधरी यासीन को पता चल गया था एक दो हफ्ते पहले कि वो इलेक्शन हार चुका है, तो वो बुखलाहट का शिकार था। सुबह सुबह उठ के वो पहले अपने जो उसका अपना पोलिंग स्टेशन है चौक साहिबा, वहाँ जा के उसने बदतमीज़ी की, शरारत की, लड़ाई झगड़ा किया। साबिक उम्मीदवार असम्बली हैं चौधरी इकबाल साहब, मेरे चाचा हैं वो, तो उसके बाद फिर वो मिठीजंड पोलिंग स्टेशन गया जहाँ उसने अपने बेटों के साथ जाकर बच्चों को कहा, आमिर यासीन और शहनवाज यासीन को, कि इनको हिट फायर करो। तो उनकी फायरिंग से फिर वो दोनों जहीर और जो रमज़ान है वो शहीद हुए। क्या नौबत आई कि आप डेड बॉडीज़ को लेके इस्लामाबाद आए और क्या आपकी जो फरियाद थी वो सुनी गई? डेड बॉडीज़ लेने की वजह यह बनी है क्योंकि इंतज़ामिया जो थी वो प्री रोल पोल रिगिंग में मुलव्वस थी चौधरी यासीन के साथ, पुलिस और बाकी इलेक्शन कमीशन जो है, जो ख़ास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब हमने ये बात भी अली अमीन गंडापुर साहब से भी की है, खान साहब को भी ये मैसेज पहुंच गया है, अब उसकी भी तहकीकात होगी क्योंकि ये जो इलेक्शन है हल्का LA 12 5 चढ़ोई का, ये इलेक्शन उसने चोरी किया है, ये सीट हमारी है इंशाल्लाह और हम उसे वापस लेंगे। सर ये बताएं, ये दो नौजवान जिनको कत्ल किया गया, दोनों PTI के? दोनों PTI के नौजवान थे, दोनों के बच्चे थे, छोटे थे और बेचारे नाते लोग थे। और अब हमें इजाज़त चाहूँगे क्योंकि हमने वापस जाना है तदफीन के लिए। बहुत शुक्रिया।